होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज वायरल सच में। जानते हैं आप कि मैं जब भी ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ तब मैं आपको रूबरू करवाती हूँ सच से, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें लेकर फैंस काफी ज्यादा कई बार निराश हो जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही होती हैं जो चिंता का विषय बन जाती हैं, मगर इस प्रोग्राम के जरिए आप जानते हैं उन तस्वीरें और उन खबरों की पीछे की सच्चाई को। दरअसल आपको बता दें कि बीते दौरान जहां पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत थोड़ी नाजुक थी, तो ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी गलत खबरें सामने आ रही थीं जिसे जानने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जी हां, इस प्रोग्राम के जरिए आपको पता चलेगा उन झूठी खबरों की पूरी सच्चाई, जहां पर एक तस्वीर भी आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो आराम कर रहे थे आंखें बंद करके, तो गलत अफवाहें फैला दी गई कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप इस प्रोग्राम के जरिए जानेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट जहां पर आपको पूरी खबर का सही मायने में पता चलेगा। सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में वायरल सच में एक तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरों को आपको दिखा रहे हैं जिसे वायरल सच में आप जानेंगे इन तमाम तस्वीरों और खबरों की सच्चाई को। दरअसल अमिताभ बच्चन बीते दौरान कहीं पर बीमार थे, जहां पर बीते दौरान खबरें आ रही थी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत नाजुक, ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां पर कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, ये वाकई ही शॉकिंग है, मगर हमारा ये प्रोग्राम लेके आने का यही मोटिव होता है कि आप सच्ची खबरों से रूबरू हो, आपको सच्ची तस्वीरों के बारे में हम बताएं और झूठी तस्वीरों के बारे में भी। इस प्रोग्राम के जरिए आप अब जान के हैरान होंगे कि महज ये तस्वीर जो है वायरल जरूर हो रही थी, ये तस्वीर सच्ची जरूर है, मगर इसके पीछे की जो कहानी है उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई यहाँ पर ये तस्वीर में आप अमिताभ बच्चन को लेटा हुआ देख रहे हैं। दरअसल अस्पताल से ये तस्वीर वायरल हुई और सोशल मीडिया पर तमाम झूठी बातें कहलाई जाने लगी। तमाम झूठी चीजें अमिताभ को लेकर भी लोग कहने लगे और ऐसे में सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा। दरअसल तबीयत अमिताभ बच्चन की खराब जरूर हुई थी, अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती जरूर हुए थे, मगर बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मगर उससे पहले जब वो अस्पताल में भर्ती रहे तब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, ऐसी झूठी खबरें वायरल होने लगी जिससे मानो फैंस को और देश की जनता को बड़ा झटका लगा। मगर हम इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहते हैं कि भाई ये खबर 100% झूठी वायरल सच में निकली है। जी हाँ, सदी के महानायक के बारे में कुछ इस तरह की झूठी अफवाहों का सामने आना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शॉकिंग है, और जिस तरह से झूठी खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है, हमारा यही मोटिव है कि इन झूठी खबरों के बारे में हम आपको पूरा सच बताएं और सच्ची खबरों से आप सभी को रूबरू करवाएं। तो वायरल सच में इस जैसी झूठी खबर को झूठा कहला दिया गया है। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने वायरल सच में, जहां पर आप इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद और इन तमाम झूठी खबरों को जानने के बाद अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी झूठी खबरें सामने आती हैं जो चिंता का विषय बन जाती हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है वो सच्ची जरूर है, मगर कहानी को मैनिपुलेट किया गया है। दरअसल अमिताभ बच्चन की तबीयत थोड़ी नाजुक
हो गई थी, जिसको लेकर वो अस्पताल में भर्ती किए गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें अंदर से बाहर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जहां ये कहा गया कि सदी के महानायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप यकीनन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें आए दिन देखते होंगे और उसके नीचे लिखे कमेंट्स को भी आप पढ़ते होंगे, जहां पर फैंस जो है नम आंखों से तमाम चीजें उनके लिए कहते दिखाई दिए। मगर आप एक चीज क्लियर हो जाए कि वायरल सच में इन जैसी खबरों को और इन जैसी तमाम झूठी तस्वीरों को झूठ कहला दिया गया है। महज ये सिर्फ झूठी अफवाहें हैं जो अमिताभ बच्चन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। होपफुली आपके लिए जब आपने इन तस्वीरों को देखा होगा और जब आपने इन खबरों की सच्चाई को जाना होगा तो आप एकदम क्लियर हो गए होंगे। यही मोटिव है इस प्रोग्राम को लेकर आने का कि आपका विजन एकदम क्लियर रहे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।